हेलो स्टूडेंट्स दिस इज लता सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन वी विल कंप्लीट चैप्टर वन द बॉडी फ्रॉम ईवीएस बुक फ्रेंड्स ऑफ अर्थ क्लास सेकेंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड आई विल एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन हिंदी विद क्वेश्चन आंसर सो वी केयरफुल द बॉडी अ ह्यूमन बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स एक ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हेड सर हो गया ईयर्स कान और आईज आँखें आपकी नोज़ नेक शोल्डर्स जो हमारे कंधे होते हैं हैंड्स हाथ हो गए लेग्स पैर एट्सेट्रा ओके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं आपकी बॉडी में आवर बॉडी पार्ट्स अब हम समझेंगे आवर बॉडी पार्ट्स लुक एट योर फ्रेंड इन द क्लास अपने फ्रेंड को देखो क्लास में ओके okay? आपको क्या करना है ऑब्जर्व करना है अपने फ्रेंड को सम ऑफ यू आर टॉल आप में से कुछ ऐसे होंगे आपके फ्रेंड्स जो लंबे होंगे सम आर शॉर्ट्स कुछ ऐसे होंगे जो छोटे होंगे हाइट में सम हैव कर्ली हेयर किसी के बाल करली होंगे घुंघराले एंड सम अदर्स हैव स्ट्रेट हेयर और किसी किसी के स्ट्रेट होंगे भी कुछ सीधे बाल वी आर बॉन्ड विद द सेम बॉडी पार्ट्स हम सभी का जन्म होता है हम सभी जन्मे होते हैं सेम बॉडी पार्ट्स के साथ सभी के एक जैसे अंग होते हैं बट समाई बॉडी पार्ट्स इंक्लूड अड जैसे कि कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें इंक्लूड होता हैड अ ट्रंक एंड लिम्स ओके लिम्स भी अंग होता है शरीर का तो यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूमन बना हुआ है यहाँ पे बॉय तो इसका हेड है अपर लिम्स है ट्रंक है लोअर लिम्स है तो ये लिम्स क्या होता है फैक्ट्स में देखो द लिम्स ग्रो मच मोर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ओके यहाँ पे अपर लिम और लोअर लिम्स दिया गया था ठीक है लोअर लिम्स नीचे का अंग और ऊपर का अंग तो द लिम्स ग्रो मच मोर देन जो लिम्स होता है वो ग्रो ज़्यादा करता है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ओके जो अदर पार्ट्स होते हैं जैसे हाथों हाथ देखते हो आप हाथ आपके लंबे होते हैं पैर आपके लंबे होते हैं ठीक है तो ये ज़्यादा ग्रो करते हैं लिम्स आवर लिम्स अब देखिए लिम्स क्या है हमारी लिम्स हैंड्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स हैंड्स और लेग्स को हम क्या बोलते हैं लिम्स बोलते हैं वी यूज आवर हैंड्स टू टच हम अपने हाथों को यूज करते हैं टच करने के लिए किसी चीज़ को फील करने के लिए महसूस करने के लिए एंड होल्ड थिंग्स और चीज़ों को पकड़ने के लिए आप हाथ से चीज़ें पकड़ते हो ना वी यूज़ आवर लैग्स टू वॉक्स और अपने पैरों का यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं वॉक के लिए चलने के लिए रन के लिए दौड़ने के लिए एंड जम्प और कूदने के लिए आवर सेंस अब देखिए सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं ओके अवर सेंस तो यहाँ पर दे रखा है द आइज ईयर्स नोज स्किन एंड टंग आर अवर फाइव सेंस ऑर्गन्स ओके आपके फाइव सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं आँखें होती हैं कान होते हैं नाक होती है जिसे आप महसूस कर सकते हो और स्किन होती है टंग होती है जिसे आप फील कर सकते हो चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो दीज सेंस ऑर्गन्स अब ये जो सेंस ऑर्गनस हैं टू सी किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं देखने में हेल्प करते हैं कान आपकी किस में हेल्प करते हैं सुनने में करते हैं हीयर में और नोज आपकी स्मेल करने में स्किन आपकी टच करने में एंड टंग आपकी टेस्ट करने में ओके okay? ये हैं सेंस ऑर्गन्स वी हैव टू आईज आपको सभी को पता है कि हमारी दो आंखें होती हैं हैव यू एवर फेल्ट योर आईलेट्स क्या आपने कभी महसूस किया है अपनी आईलेट्स को क्वेश्चन मार्क आईलेट्स आप देख रहे हो ना पिक्चर में आईलेट्स और आई ठीक है जो हमारी आ, ये जो आई लिड होती है ना जो पलकें होती हैं ठीक है थीके? आई पलकें और जो हमारी ये लिड्स होती हैं साइड से आप पिक्चर में देखो द आई लिड एंड आई लेसेस प्रोटेक्ट द आईस आई और आई, इस, आई, लिड और आई का काम क्या होता है कि ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती हैं ओके किसी भी जैसे अगर कुछ डस्ट वगैरह आ रही होती है तो ये रोक देती हैं बाहरी आँखों में नहीं जाने देती थिंग्स अराउंड अस विद आवर आइज हम अपनी आंखों से आसपास की चा, सारी जितनी भी हमारे राउंड अराउंड थिंग्स होती हैं चीज़ें होती हैं हम सभी को सभी चीज़ों को देख सकते हैं क्लियरली वो किससे देख सकते हैं आईज से ओके okay? आप देखिए ईयर ईयर्स का काम क्या होता है हीयर ईयर का काम कानों का क्या काम होता है हीयर करने का सुनने का ईयर्स हेल्प्स अर्स टू लिसन डिफरेंट साउंड ईयर्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं डिफरेंट साउंडस को सुनने में आप इस बॉय को देख रहे हो इस बॉय ने क्या लगा रखा है हेडफोन ठीक है तो ये क्या कर रहा है कानों से सुन रहा है ना उसे कुछ म्यूजिक चल रहा है तो इवन इफ वी डू नॉट सी अगर हम देख नहीं सकते टच और इस्मेल तो हम टच और इस्मेल कर सकते हैं वी कैन लिसन टू वेरियस साउंड थ्रो अवर ईयर्स हम अलग अलग तरीके की साउंड सुन सकते हैं आवाज़ें सुन सकते हैं किसे थ्रू अवर ईयर्स अपने कानों के थ्रू अब इधर देखिए नोज का वर्क नोज़ क्या करती है इधर आप देख रहे हो पिक्चर में स्मेल करने का ठीक है आप जब कहीं शॉप पे जाते हो तो आपको स्मेल करते हो ना बर्गर की स्मेल आ रही है पिज्ज़ा की आ रही है तो वो किससे करते हो नोज से सो नोज हेल्प्स अस टू स्मेल यहाँ देखिए ये फ्लावर को स्मेल कर रही हैं फ्लावर में से भी खुशबू आती है ना तो नोज हेल्प अस टू स्मेल नोज हमारी हेल्प करती है किसमें स्मेल करने में सूंघने में इट मेक्स अस डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्लीजेंट एंड एन अनप्लीजेंट स्मेल और ये हमें डिस्टिंग्विश करती है भेद बताती है मतलब दो चीजों में बिटवीन प्लीजेंट एंड एन अनप्लीजेंट स्मेल कि कौन सी खुशबू है और क्या चीज़ बदबूदार है ठीक है प्लीजेंट है और कौन सी अनप्लीजेंट स्मेल है अच्छी है और बुरी है ओके तो अच्छी बुरी स्मेल भी होती है ना एक तो गंदी स्मेल आती है और एक बहुत अच्छी अच्छी सी स्मेल आती है तो नोज़ के थ्रू आप स्मेल को फील करते हो स्किन का वर्क देखो आप फील एंड टच द मटेरियल विद स्किन आप क्या कर सकते हो महसूस कर सकते हो टच करके मटेरियल को किसी को भी ठीक है विद स्किन स्किन के साथ हाथ से आप किसी चीज़ को टच करोगे तो आपको पता पड़ेगा ना ये हार्ड है ये सॉफ़्ट है टच गिव्स अस फीलिंग ऑफ कोल्ड और टच से ही आपको ये पता पड़ेगा अरे ये तो कोल्ड है ठंडा है हॉट है बहुत गर्म है एंड प्रेसर एटसेट्रा और स्किन कवर्स द होल बॉडी हमारी जो स्किन है ठीक है जो हमारी स्किन होती है वही तो हमारी पूरी बॉडी को कवर किए हुए हैं जो आपकी ऊपर की ये खाल होती है स्किन इस इसी से तो कवर है आपकी पूरी बॉडी यहाँ देखिए इस पिक्चर में टच ठीक है टच करते हैं हम किसी चीज़ को अगर हम बैठे हुए किसी सॉफ्ट फर पे तो उसको टच कर रहे हैं वाह कितना सॉफ्ट है तो ये स्किन के थ्रू होता है अब टंग का वर्ग देखो टंग टंग मीन्स जीव टंग टेल्स द टेस्ट ऑफ थिंग्स टंग्स क्या बताती है टेस्ट ऑफ थिंग्स चीजों का टेस्ट कि किस चीज़ में आ, किस चीज़ का टेस्ट कैसा है कड़वा है मीठा है नमकीन है आवर टंग इज़ डिवाइडेड इन टू डिफरेंट पार्ट्स हमारी जो टंग है वो डिवाइडेड है डिफरेंट पार्ट्स में ओके okay? अलग अलग टेस्ट वर्ड्स होती हैं इट डिस्टिंग बिटवीन स्वीट्स इसमें मतलब स्वीट्स का भी पता पड़ता है मीठे का खट्टे का भी पता पड़ता है सॉल्टी चटपटा एंड विटर कड़वा ठीक है कड़वाहट का भी पता पड़ता है इट ऑल्सो हेल्प्स इन चुइंग और ये किस में हेल्प भी करती है चुविंग में तो यहाँ देखिए टेस्ट पता पड़ रहा है ना आप आइसक्रीम खाते हो तो आपको टेस्ट कैसा लगता है मीठा और ठंडा और बिल्कुल टेस्टी आइसक्रीम लगती है आपको खाते हो सभी तो ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी ये कंप्लीट हो चुकी है अब हम आते हैं फास्ट ट्रैक नोट्स पे तो ये आप पढ़ लेना एक्सरसाइज देखते हैं अब एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे पहले टिक द करेक्ट आंसर तो फर्स्ट है सेंस ऑर्गन एज सेंस ऑर्गन क्या है इनमें से हैंड है लेग है आई है या हेयर है अभी आपको समझाया था सेंस ऑर्गन जिनसे हम आ, देखते हैं महसूस करते हैं टेस्ट करते हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे आई है आई मीन्स आंख आपका सेंस ऑर्गन में आता है सेकेंड नोज हेल्प अस टू नोज किस चीज़ में हेल्प करती है आपकी देखने में नो no. स्मेल करने में यस बट बोथ वन एंड टू नहीं हो सकता गलत है देखने में थोड़ी ना गलती है नन ऑफ दिज नो क्योंकि नोज हेल्प करती है हमारी स्मेल में तो सेकेंड करेक्ट थर्ड टंग हेल्प्स इन टंग हेल्प किस में करती है टेस्ट करने में तो सभी को पता है कि आप टंग से टेस्ट करते हो फील नहीं कर सकते हो स्मेल नहीं कर सकते हो जीप से स्मेल करोगे नहीं वो किससे स्मेल करोगे नोज से तो यहाँ टंग किस में हेल्प करती है टेस्ट करने में ओके okay? फोर्थ है हैंड्स एंड लेग्स आर कॉल्ड हैंड्स और लेग्स को हम क्या बोलते हैं आपको समझाया था लिम्स ओके सेंस ऑर्गन नहीं है जॉइंट्स नहीं नहीं है नहीं है तो आप क्या करोगे इसमें लिम्स लिम्स पे आपको करेक्ट का टिक करना है देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन हैं फोर क्वेश्चन तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट है हाउ मेनी सेंस ऑर्गन आर देयर इन ह्यूमन बॉडी राइट द नेम ऑल्सो सेकेंड क्वेश्चन है वॉट कवर द होल बॉडी थर्ड है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज टू हियर साउंड फोर्थ क्वेश्चन हाउ आर आवर आईज प्रोटेक्टेड तो आंसर हम करते हैं फर्स्ट बी का आंसर फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स तो आपको पता है मैंने बताया था देर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स इन अ ह्यूमन बॉडी ओके और वो कौन कौन से हैं आंसर में देखिए आप दे आर आईज आईज है ईयर है नोज है स्किन है और टंग ओके सेकेंड क्वेश्चन था वॉट कवर द होल बॉडी पूरी बॉडी को क्या चीज़ कवर करती है तो स्किन आपको मैंने बताया था स्किन से हमारी होल बॉडी कवर रहती है थर्ड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज यूज टू हियर साउंड्स किस बॉडी के पार्ट से आप साउंड को सुनते हैं तो किसे सुनते हैं ईयर से ओके okay? फोर्थ क्वेश्चन हाउ आर अवर आईज प्रोटेक्टेड आईज हमारी कैसे प्रोटेक्ट रहती हैं तो अवर आईज प्रोटेक्टेड बाई द आईलेट्स एंड द आई लेसेस नेक्स्ट क्वेश्चन सी नंबर फिलिंद द ब्लैंक्स विद दिटेबल वर्ड्स ओके यहाँ पे आपके वर्ड्स दिए हुए हैं इनसे आपको फिलिंद द ब्लैक्स कंप्लीट करने हैं तो फर्स्ट देंड्स एंड लेग्स आर कॉल्ड अवर क्या होगा लेम्स देयर आर फाइव गन इन ह्यूमन बॉडी फाइव ऑर्गन्स होते हैं ठीक है सेंस ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में थर्ड वी कि आईज टेल्सर्स दैट द एरोप्लेन इन इज इन द एयर एंड इज फार अवे आपकी आइज आपको बताती है ना कि एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है ऊपर और अभी फार अवे है बहुत दूर है आंखों से देख के तो बताते हो ना नेक्स्ट क्वेश्चन है डी मैच द ऑर्गन्स विद देयर सेंस आपको इसमें मैचिंग करनी है सेंस ऑर्गन्स की तो आईज़ का क्या है यहाँ पे आईज़ को सी से मैच करोगे सी नोज़ को स्मेल नोज़ क्या करते हैं स्मेल कवर करते ईयर हीयर ओके ईयर हीयर सुनने का टंग टेस्ट टेस्ट से मैच करोगे स्किन टच स्किन टच ओके okay, ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर और आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा सभी को और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें कमेंट करें लाइक करें शेयर करें थैंक यू